वो कहते हैं नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूँ सीए शंकर कांत या स्वागत हूँ। बट इस बार AFM के श्योर शॉट 10 मार्क्स के साथ जो अब आने वाले हैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पे, यस शो द सेम लव दैट यू हैव शोड इट इन SCPM, बिकॉज ये पेपर 2 एंड पेपर 6 IBS दोनों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। एंड यू नो हाउ इंपॉर्टेंट दीज 10 10 मार्क्स श्योर शॉट कॉन्सेप्ट आर। आपको स्पेसिफिकली AFM में कोई भी श्योर शॉट कॉन्सेप्ट चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, इसका एक प्लेलिस्ट भी बना लिया है, यू कैन रिफर दैट एज वेल। एंड अब मेरा आज का कॉन्सेप्ट है पोर्टफोलियो बैलेंसिंग, एंड मैं ये कहां से कराने वाला हूं वो बताऊं उसके पहले यूट्यूब, यस प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड बेल आइकन दबा दो सो दैट एनी नोटिफिकेशन यू गेट इट इमीडिएटली, एंड डू लाइक द वीडियो सो दैट यू गेट द रिलेटेड कंटेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैं आप लोग को ये करवाने वाला हूँ फ्रॉम माई मैजिक बुक। जी हाँ बॉस, मैजिक बुक अगर नहीं है तो ले लो यार, इट इज जस्ट ₹299। सारे के सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज एवरीथिंग एट वन प्लेस। मतलब और लाइफ में क्या चाहिए, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, इतने सारे फॉर्मूलाज है एक साथ कंपाइल्ड एक जगह पे सिस्टमैटिकली स्मार्टली डन, जहां जहां पे जरूरत है उसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। व्हाट एल्स डू यू वांट, बस इसी में से पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग भी आपको दिख जाएगा, फॉर्मूला भी, एग्जाम्पल भी, बस वहां से ही मैं ये करवाने वाला हूं। तो ये देखो आ गया, तो सर हमारे को ये कहां से मिलेगा, चलो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पूरा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूं PDF। अलग से बुक खरीदना है देन इन दैट केस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक और ये बुक खरीदने का लिंक दोनों भी दे रहा हूं मैं, प्लीज गेट इट राइट नाउ, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू, स्पेशली फॉर द लास्ट 1.5 डेज एग्जामिनेशन, बिकॉज सारे फॉर्मूलाज थियोरी मास्टर सम्स इसके अंदर है, एंड दैट्स वॉट यू वॉन्ट एट योर सेकेंड एंड थर्ड रिविजन। सेकेंड एंड थर्ड रिविजन क्विक रिविजन करने के लिए ये बुक बहुत काम आएगी। चलो अब फिलहाल पोर्टफोलियो रिविजन एंड रीबैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं, लेट द गेम बिगिन। डन, अब अपन लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, विच इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो रिविजन एंड रीबैलेंसिंग। इसमें भी तीन मेथड है। सबसे पहला मेथड बोलता है बाय एंड होल्ड पॉलिसी, मतलब डू नथिंग। मतलब आपने अगर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया है, हेलो पब्लिक, अगर आपने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया है तो वो लोग, वो जो भी प्राइस पे लिया है आपने वो लेके भूल जाओ, डू नथिंग पॉलिसी। नाम ही बोलता है क्या, डू नथिंग पॉलिसी। सो लेके आपको भूल जाने का कि भाई हाँ ठीक है, लिया था मैंने कुछ शेयर्स और अब मैं इसका कुछ भी नहीं करने वाला हूं, मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारा शेयर्स पड़ा है। एंड मैं आपको बोलता हूँ मेजोरिटी दुनिया डू नथिंग पॉलिसी करती है, मतलब वो देख लेती है, टाइम ही नहीं मिलता ना ऑफिस के हिसाब से। सो डू नथिंग पॉलिसी इसमें कुछ भी ग्रेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, एंड दैट इज कॉन्स्टेंट मिक्स पॉलिसी, या इसको CRP कॉन्स्टेंट रेशियो पॉलिसी भी बोला जाता है। देखो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। ये बोलता है बहुत से कांस्टेंट रेशियो मेंटेन करके चलो, तो मैं आपको यहाँ पे इसी को कनेक्ट भी कर देता हूं। तो यहां पे से फॉर एग्जांपल CRP जिसको अपन लोग बोलते हैं कांस्टेंट रेशियो पॉलिसी, कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी भी बोलते हैं, तो वो बोलता है आपको कांस्टेंट रेशियो पॉलिसी जिसको बोलते हैं CRP। ये क्या बोलता है कि बॉस आपने अगर से फॉर एग्जांपल डिवाइड कर लिया कि हमको 1:1 रखना है, 50% हमको रखना है इक्विटी में और 50% हमको रखना है डेट में, तो बस आप इसको फॉलो करते चलो। यहाँ पे मेरा एग्जांपल है, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया 50,000 50,000 ₹1,00,000 से विद शेयर्स एंड बॉन्ड्स, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा पता है क्या, मैं इधर डाल दूंगा इन ₹50,000 का इन्वेस्टमेंट, मैं यहाँ पे डाल दूंगा ₹50,000 का इन्वेस्टमेंट। जब मैंने स्टार्ट किया तब ₹100 पर शेयर चल रहा है, जब मैंने स्टार्ट किया तब ₹100 पर शेयर चल रहा है, तो मेरे पास कितने शेयर्स आ गए, तो 50,000 डिवाइड बाय 100 मेरे पास आ गए 500 शेयर्स। अब हुआ कुछ ऐसा कि ये मेरा ₹100 पे पहुंच गया ₹80 पे, तो ये मेरा पहुंच गया ₹80 पे, तो कहना इसे 500 शेयर्स है इंटू 80 पर शेयर, तो कहना इसे ये ₹40,000 हो गया, यस सर, कहना इसे यहाँ पे ₹50,000 तो है ही, यस सर। अब क्या बोलता है कांस्टेंट रेशियो होना चाहिए, तो रेशियो 1:1 है क्या, नहीं सर नहीं है, तो करो 1:1, तो कैसे करेंगे, तो अपन करेंगे ऐड, 50 + 40 कितना हुआ सर 90,000 हुआ, अच्छा 90,000 को दो पार्ट में डिवाइड करो, कितना दो पार्ट सर, एक 45,000 दूसरा 45,000। अब ध्यान से समझना, कहना इसे यहाँ पे 50,000 है आपका, यहाँ पे 40,000 है, बट आपको चाहिए 45,000 एंड आपको यहाँ पे चाहिए 45,000, तो आप क्या करोगे, एड कर दोगे यहाँ पे ₹5,000 का इक्विटी एंड लेस कर दोगे यहाँ पे ₹5,000 का डेट।
50,000 में से 5,000 का डेट हट गया, 45,000 डेट बचा। 40,000 में 5,000 रुपीज का इक्विटी ऐड हो गया, 45,000 का इक्विटी हो गया। 5,000 डिवाइड बाय 80, आज की तारीख में आप बाय करोगे तो आप बाय कर लोगे 62.5 इक्विटी शेयर्स। तो अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद आपके पास हो गए 5,000 कितना 562.5 शेयर्स एट द रेट 80 एंड यहाँ पे 45,000 का डेट पड़ा है आपके पास। तो बेसिकली आपने फर्स्ट केस में क्या किया बेटा, फर्स्ट केस में क्या किया आपने, प्लस 5,000 इक्विटी का खरीदा, माइनस 5,000 आपने डेट का लिया, एंड दैट इज हाउ माय फर्स्ट सिस्टम वर्क्स, दैट इज हाउ माय फर्स्ट सिस्टम वर्क्स। ये देखो बॉन्ड टू स्टॉक स्विचिंग, मतलब बॉन्ड बेच के स्टॉक खरीदा, कितने का, 5,000 रुपए का। अब फिर बाद में वापस ये हो गया से फॉर एग्जाम्पल 60 रुपीज, कैन आई से, अब आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे, अब आप लोग समझ गए, होशियार हो गए। अब ये 60 रुपीज हो गया तो ये और कम हो जाएगा, तो 562.5 इंटू 60 कर दो तो ये हो गया 31,590, ये हो गया 45,000। अपने को इक्वल पॉलिसी रखना है तो प्लस 45,000 किया तो ये सर आ गया 76,590। हेलो, ये आ गया 76,590 डिवाइड बाय 2, 1:1 का रेशियो रखना है तो डिवाइड बाय 2 किया तो ये आ गया मेरा 38,295। हेलो, ये आ गया मेरा 38,295। अब मेरा अगेन ये 45,000 पे है तो कैन आई से मेरे को सेल करना पड़ेगा डेट, ये मेरा 31,590 पे है तो ये मेरे को बाय करना पड़ेगा इक्विटी शेयर। सो दिस इज हाउ द होल सिस्टम वर्क्स अप इन केस ऑफ कॉन्स्टेंट रेशियो। ये तो प्राइस डिक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज होगा तो शेयर सेल करना पड़ेगा और डेट बाय करना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे स्विच टू बॉन्ड, स्टॉक टू बॉन्ड स्विचिंग, एंड दैट कैन बी डन बाय ऑल। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, विच इज सीपीआईपी, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन इंश्योरेंस पॉलिसी। बहुत ही सिंपल है, इसमें भी आपको देखो बताया वो लोग ने एक फॉर्मूला के थ्रू कि आप मैक्सिमम शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला है मल्टीपल पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू इनटू मल्टीप्लायर। ये आपको फॉर्मूला से पता चलेगा कि कितना आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, जेन जो बच गया वो आपको डेट में इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि आपको सीपीआईपी के हिसाब से, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से शेयर्स में आपको कितना इन्वेस्ट करना है, तो वो ये लोग ने दे दिया है। सर कितना दे दिया है शेयर्स में आपको कितना इन्वेस्ट करना है, तो इट विल बी पोर्टफोलियो वैल्यू, इट विल ऑलवेज बी पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द मल्टीप्लायर। मैं आपको एक गुड न्यूज दे दू, पोर्टफोलियो वैल्यू गिवन होगा, फ्लोर वैल्यू गिवन होगा, मल्टीप्लायर गिवन होगा, तो सर इसको खाली अप्लाई करना है और फाइंड करना है कि इक्विटी शेयर्स में कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा। आओ मेरा पहला एग्जांपल, ये ला 10 लाख का मेरा टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू, तो इधर मैंने लिख लिया 10 लाख। मेरे को फ्लोर वैल्यू रखना है एट एनी कॉस्ट 7.5 लाख का मेरा फ्लोर वैल्यू होना ही चाहिए, इससे थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है इक्विटी। सो कैन आई से ये मेरा हो गया 2.5 लाख इन टू मल्टीप्लायर, क्वेश्चन में दिया हुआ है चू, मल्टीप्लायर क्वेश्चन में दिया हुआ है चू, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाता है ₹5 लाख, ये आ जाता है ₹5 लाख। तो शेयर्स में कितना डालना है, 5 लाख। तो अगर मेरे को पोर्टफोलियो बनाना है 10 लाख का, तो उसमें से 5 लाख मैं डालूंगा इक्विटी में, बचा हुआ 5 लाख मैं डालूंगा डेट में। अब तो ये कहानी शुरू हुई, एक इक्विटी शेयर कितने का है वो मेरे को देख लेने का कितने का है, उस हिसाब से मुझे पता चल जाएगा कि भाई कितने में इक्विटी, कितने का नंबर ऑफ शेयर्स खरीदा। अब से फॉर एग्जाम्पल ये शेयर का वैल्यू बढ़ के हो गया 7.5 लाख, अरे वाह बधाई हो। सो यहाँ पे ये मेरा वैल्यू हो गया 7.5 लाख। अब मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू देखो कितना आ गया, 7.5 लाख प्लस 5 लाख का डेट, तो 12.5 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू हो गया। फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करो भाई, शेयर्स में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए पोर्टफोलियो वैल्यू विच इज 12.5 लाख माइनस फ्लोर वैल्यू 7.5 लाख इनटू मल्टीप्लायर विच इज टू, 12.5 माइनस 7.5, 5 लाख इनटू 2 कितना हो गया, 10 लाख हो गया। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई 10 लाख जितना आप इक्विटी में डाल सकते हो, तो ऑलरेडी 7.5 लाख तो है ही, शेयर्स में आप 10 लाख डाल सकते हो, ऑलरेडी 7.5 लाख तो है ही, तो प्लस 2.5 लाख का आप इक्विटी बाय करोगे एंड माइनस 2.5 लाख का डेट आप सेल करोगे,
इसको बोलते हैं सीपीआईपी पॉलिसी। वापस से एक बार सुन लो, क्लियर हो जाएगा। केस टू आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, जहां पे मैंने शेयर्स का वैल्यू कम कर दिया है, सेम लॉजिक सेम अप्लाई करना है। बस अब आपने शेयर्स खरीदा है, वो केस में आपको शेयर सेल करना पड़ेगा, डेट खरीदना पड़ेगा, बट फॉर्मूला वही रहेगा आपका, पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द मल्टीप्लायर विल गिव अस के कितना शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, एंड दैट्स हाउ द होल सिचुएशन वर्क्स आउट। हे, समझ गुरु एवरीबॉडी, क्लियर? सो ये हो गया मेरा पोर्टफोलियो बैलेंसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बोलता हूं फुल चांस है एमसीक्यू में आने का, तो इसके लिए प्लीज इसको। ओके देन, सो आई होप समझ में आ गया होगा, मजा आ रहा होगा आपको ये शॉर्ट क्लिप्स के साथ, राइट? सो जैसा मैंने बोला था, ये बुक आपको खरीदनी है, डेफिनेटली खरीदनी है, एंड webuket.in पे जाके आपको बुक्स पे मिल जाएगी। टू गेट योर मैजिक बुक राइट अवे, जस्ट $299 विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम डे purposes, ठीक है? बाकी और क्या concepts के ऊपर आपको चाहिए, let me know and I'll be back with it. Take care, keep smiling. Thank you so much.